इस वीडियो में हम मोबाइल वॉलेट के बारे में सीखेंगे। मोबाइल वॉलेट क्या है, इसकी क्या जरूरत है, मोबाइल वॉलेट के कुछ एग्जांपल्स या उदाहरण देखेंगे और अंत में एक मोबाइल से ऐप खरीदेंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। मोबाइल वॉलेट क्या होता है? वॉलेट का मतलब है बटुआ, और अगर आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में कुछ पैसे डाल देते हैं तो आप उस वॉलेट का इस्तेमाल पेमेंट या भुगतान के लिए कर सकते हैं। मोबाइल पर वॉलेट हुआ तो उसे मोबाइल वॉलेट कहते हैं। आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब आम तौर पर बटुआ कैसे काम करता है? आप दुकान में जाकर कुछ सामान खरीदते हैं और जब पैसे देने होते हैं तो आप अपना वॉलेट या बटुआ निकाल कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश से पेमेंट कर देते हैं। मोबाइल वॉलेट में आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड पहले से मोबाइल से जोड़ सकते हैं। आप कैश भी मोबाइल वॉलेट में लोड कर सकते हैं और फिर जब पेमेंट देनी होती है तो उस मोबाइल वॉलेट से दे सकते हैं। मोबाइल वॉलेट एक तरह का वर्चुअल या ऑनलाइन वॉलेट है। एक बार आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश लोड कर दिया, फिर आप उस वर्चुअल वॉलेट को ऑनलाइन कंप्यूटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो ऑफलाइन मर्चेंट्स जैसे कि कॉफी शॉप्स मोबाइल वॉलेट से पेमेंट लेना शुरू हो गए हैं। वर्चुअल वॉलेट्स इतने ज्यादा टाइप्स के हैं, उन्हें आप मोबाइल ऐप और पीसी के अलावा एसएमएस से और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट की बात करें तो अगर आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉइन्स या लाइव्स खरीदनी हो तो आप मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। पर मोबाइल वॉलेट कई जगह काम आता है। अगर आपको अपना फोन रिचार्ज करवाना हो तो, या फिर टैक्सी का बिल भरना हो तो, आप मूवी की टिकट्स भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों को पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल कई प्रोडक्ट्स और सेवाएं हैं जो मोबाइल वॉलेट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि पेपैल, गूगल वॉलेट, एप्पल पे और एम-पैसा। इनमें से कुछ वर्चुअल वॉलेट्स हैं जो कंप्यूटर से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कई वॉलेट्स पॉपुलर हैं, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज और ऑक्सीजन। करोड़ों लोग इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। आइए आपको एक वर्चुअल वॉलेट का एग्जाम्पल या उदाहरण दे देती हूँ। गूगल वॉलेट, यहाँ मैंने पहले से अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ लिया है। आइए गूगल वॉलेट का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। पहले गूगल वॉलेट को पीसी से इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने ब्राउजर में टाइप करिए play.google.com। ये प्ले स्टोर खुल गया। अगर आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड्स में मेरा एक क्रेडिट कार्ड पहले से जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जोड़ना चाहते हैं तो ये ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेपैल अकाउंट जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोड है तो आप उसे यहाँ पर रिडीम भी कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अब ये रिडीम का क्या मतलब? देखिए, अक्सर प्ले स्टोर के कार्ड्स आपको दुकानों में मिल जाएंगे। आप पैसे दे करके वो वाले गिफ्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं और फिर यहाँ पर आप उन्हें डाल सकते हैं। उस कार्ड के पीछे आपको एक कोड मिलता है और जब आप यहाँ पर वो वाला कोड या नंबर डाल देते हैं तो वो पेमेंट आपके गूगल के वॉलेट में ऐड हो जाती है। और एक बार वो पेमेंट यहाँ पर आ गई, वो पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर आप कुछ भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, जैसे कि ऐप्स या मूवीज़ या किताबें वगैरह। तो ये गूगल वॉलेट जो है ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड, पेपैल से काम नहीं करता। आप कैश से गिफ्ट कार्ड भी खरीद सकते हैं और उसके बाद उसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहले से अपना क्रेडिट कार्ड जोड़ चुकी हूँ। एक और तरीका भी है, यहाँ पर आप google.com/wallet में जाइए और जब आप गूगल वॉलेट में जाएंगे तो आप यहाँ पर गेट द ऐप पर क्लिक करके और
ये गूगल वॉलेट को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम मोबाइल से इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं। ये रहा मेरा फोन और अब मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। ये मेरा प्ले स्टोर खुल गया। यहाँ पर देखिए ये तीन बार्स हैं, इधर क्लिक किया और यहाँ पर ये है अकाउंट, अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है पेमेंट मेथड्स, आप यहाँ पर क्लिक करके और अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जोड़ सकते हैं। मैं पहले से अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जोड़ चुकी हूँ। यहाँ पर अगर आप मोर पेमेंट सेटिंग्स पर जाते हैं तो आप अपनी पेमेंट की सेटिंग्स देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं जोड़ा, आप उसे आसानी से जोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर अकाउंट पर फिर क्लिक किया, यहाँ पर भी देखिए ये है रिडीम। अगर आप रिडीम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना कोड या नंबर डाल सकते हैं जो आपको गिफ्ट कार्ड के पीछे मिलता है। अगर आप कैश देकर दुकान में गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं तो आप उस कोड को यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर जब आप रिडीम के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पैसे आपके गूगल के अकाउंट में जुड़ जाएंगे। चलिए अभी हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब मैं प्ले स्टोर में जाती हूँ और यहाँ पर मैं कोई ऐप खरीद लेती हूँ। ये है वीवा वीडियो। वीवा वीडियो पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने ऐप का फ्री वर्जन इस्तेमाल करना सिखाया था। ये देखिए ये है इसका प्रो वर्जन जो लगभग $5 का है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इस ऐप को खरीद लेती हूँ। ये फिलहाल $4.99 की ये ऐप है। इधर क्लिक किया और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक किया। अब एक पॉपअप सा खुल गया है, वो मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आपने एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहाँ पर जोड़े हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और आप पेमेंट मेथड्स में से चुन सकते हैं। चलिए फिलहाल हमने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, अब हम बाय के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब वो मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देती हूँ और कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुल, इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। ये जो पेमेंट है ये अब मैंने कर दी है और ये वाली ऐप मेरे मोबाइल पर अब इंस्टॉल हो रही है। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये ऐप मेरे मोबाइल पर अब इंस्टॉल हो रही है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पीसी में आपको दिखाया था कि यहाँ पर पेमेंट कैसे ऐड करते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिख जाती है। ये वो ऐप्स हैं जो आपने पहले से इंस्टॉल की हुई हैं खरीद कर। तो ये देखिए ये ऐप्स जो हैं मैंने किसी समय खरीदी होंगी। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर वीवा वीडियो आ जाना चाहिए। ये देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए ये वीवा वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है जो मैंने आज अभी अभी खरीदा है अपने गूगल वॉलेट से। तो अगर आप गूगल वॉलेट को मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं तो वो मोबाइल वॉलेट की तरह काम करता है, पर आप उसे पीसी से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गूगल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है। सच तो ये है कि मोबाइल वॉलेट्स कुछ ही साल में इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतनी तेज़ी से इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है कि लगभग रोज़ ही कोई नया वॉलेट या फीचर लॉन्च हो जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आगे चलकर हम नोट और सिक्के नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक कैशलेस इकोनॉमी या कैश रहित अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे आम आदमी का तो फायदा है ही, बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड ना होने पर भी ऑनलाइन पेमेंट आसानी से हो सकती है। पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें कई चीज़ें हैं, क्लोज्ड वॉलेट, ओपन वॉलेट, क्लोज्ड और ओपन वॉलेट साथ में मिलकर, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये तो एक वर्चुअल वॉलेट का एग्जाम्पल था। आप कौन से मोबाइल वॉलेट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको मोबाइल वॉलेट के बारे में क्या सीखना है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी।
ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।